पृथ्वी पर एक से बढ़कर एक रहस्य मौजूद हैं, जिनका पता लगाने के लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयास में जुटे हुए हैं। कुछ रहस्यों को सुलझाने में वैज्ञानिकों को बरसों लग जाते हैं, वहीं कुछ तो ऐसे हैं जो आज तक अनसुलझे हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाया है जो बीते 75 वर्षों से पहेली बना हुआ था। हिंद महासागर में वर्ष 1948 में मिला एक विशाल काय होल आज तक रहस्य का विषय बना हुआ है। इस होल की खोज डच जियोफिजिसिस्ट फेलिक्स एंड्रीज बेनिंग मैनेज ने की थी। इस होल की जानकारी जुटाने के लिए वैज्ञानिक बीते 75 सालों से प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिली थी। लेकिन अब भारतीय भूवैज्ञानिक देवांजन पाल और अत्रेयी घोष ने स्टडी कर इस रहस्य की गुत्थी को सुलझा दिया है। बता दें कि हिंद महासागर के इस होल को इंडियन ओशन जायड लो के नाम से जाना जाता है। ये 2 लाख स्क्वायर मील में फैला हुआ है और ये पृथ्वी के ऊपर भाग से 600 मील यानी 960 किलोमीटर अंदर तक है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में काफी कम गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि इतने लंबे समय से बने इस होल का राज भी इसके अंदर ही है। ये जायड लगभग 29 मिलियन साल पहले निर्मित हुआ होगा, जब हिंद महासागर का निर्माण हो रहा था। उन्होंने बताया कि इसकी पूरी जानकारी के लिए पृथ्वी के प्लेट टेक्टोनिक्स की गति के बारे में जानना होगा। बता दें कि पृथ्वी का निर्माण प्लेटों से मिलकर बना हुआ है, जिसे प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है। इन प्लेटों में लगातार गति बनी रहती है, जिसे प्लेट टेक्टोनिक्स गति कहा जाता है। दरअसल जब भारतीय उपमहाद्वीप अफ्रीका से टूटकर बन रहा था, तब वहां पर भारत, हिंद महासागर और हिमालय है, यहां पर टेथिस सागर हुआ करता था। वैज्ञानिकों ने जब गहन अध्ययन किया तो उनके सामने चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। शोधकर्ताओं ने पाया कि जब हिंद महासागर का निर्माण हुआ तो यहाँ पृथ्वी के मेंटल के हल्के घनत्व और द्रव्यमान के पदार्थ बाहर निकलने लगे, जिसकी वजह से हिंद महासागर में ऐसे होल का निर्माण होने लगा। वैज्ञानिकों के अनुसार इन क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण काफी कम होता है। उनका मानना है कि जब तक मेंटल से पदार्थ निकलते रहेंगे, तब तक ये होल बने रहेंगे। दरअसल ये हल्के पदार्थ पृथ्वी के जिस मेंटल के भाग से आ रहे हैं, वे कुछ और नहीं बल्कि लाखों साल पहले दबे हुए टेथिस सागर के हिस्से हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।